नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। इन दिनों पूरे प्रदेश में रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वहीं पूरे प्रदेश में विपक्ष की बीजेपी पार्टी की ओर से प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं वर्तमान सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी के तहत राजस्थान के कोटा जिला मुख्यालय पर रीट 2021 परीक्षा का पेपर शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से लीक होने के SOG के खुलासे के बाद मामले पर सियासत गर्मा गई है। मामले में CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। कोटा में युवा मोर्चा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा की अगुवाई में कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया। ज्ञापन देने जाने के दौरान प्रदर्शनकारी व पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने 5 प्रदर्शनकारियों के साथ अंदर जाकर ज्ञापन देने की बात कही, लेकिन प्रदर्शनकारी ज्यादा संख्या में जाना चाहते थे। इसी बात को लेकर हंगामा हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर धरना देकर आक्रोश व्यक्त करते हुए ज्ञापन देने गए। प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि SOG की जांच में एक के बाद एक नए सुराग सामने आ रहे हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित तरीके से पेपर लीक के मुख्य अभियुक्त अभी नहीं हुई है। SOG मुख्यमंत्री के इशारों पर काम करती है। मुख्य अभियुक्त के खिलाफ सबूत मिटाने के काम किए जा रहे हैं, इसलिए मामले में CBI जांच की मांग कर रहे हैं। 26 लाख युवाओं की आवाज बनकर आज कोटा में प्रदर्शन किया है, जल्द ही जयपुर में भी प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने युवाओं की आवाज लाठी से दबाने का प्रयास किया, जबकि कोई विवाद का विषय नहीं था। संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। में है कि रीट की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक हुआ और ये रीट परीक्षा पेपर लीक के नाम से आम जनता के बीच में जाना जा रहा है। हमारी उस समय भी मांग थी कि CBI जांच होनी चाहिए और आपने देखा कि अभी एक के बाद एक नए सुराग सामने आ रहे हैं। SOG की इन्वेस्टिगेशन में इस बात की स्वीकारोक्ति हुई है कि पेपर लीक हुआ था। जब इस बात की स्वीकारोक्ति हो गई कि पेपर लीक हुआ था, तो उस परिस्थिति में जो मुख्य अभियुक्त हैं, सरकार के द्वारा प्रायोजित तरीके से जो पेपर लीक हुआ उसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। इसलिए हम लोग CBI इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। एक और तथ्य है कि उसमें CBI इन्वेस्टिगेशन क्यों होनी चाहिए, क्योंकि SOG से इम्पार्शियल और फेयर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि SOG वही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसने कोरोना की पहली लहर जब चल रही थी तो मुख्यमंत्री के कहने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR की थी। तो ये मुख्यमंत्री के इशारों पर चलती है और वर्तमान परिस्थिति में SOG जो अनुसंधान कर रही है उस अनुसंधान के माध्यम से जो मुख्य अभियुक्त हैं उसको पकड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा, बल्कि मुख्य अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए 26 लाख युवा जो उसमें फॉर्म भरे थे उन सबकी आवाज बनकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं। आज कोटा में यहाँ पर हमने भाई सुदर्शन गौतम यहाँ के शहर जिला अध्यक्ष के साथ प्रदर्शन किया और कल जयपुर के अंदर बड़ा प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री आवास का घेराव युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करेंगे। कौन है मुख्य आरोपी? आप बार बार कह रहे हैं मुख्य आरोपी को बचाने का प्रयास। देखिए, बहुत दुख का विषय यह है कि पेपर लीक होता है और पेपर लीक सरकार द्वारा प्रायोजित होता है। जारोली तक तो पहुंच ही चुके हैं। अब जारोली तक जब पहुंचे तो जारोली को इन्होंने बर्खास्त किया। जारोली को बर्खास्त किया इसका मतलब जारोली के खिलाफ रिकॉर्ड पे कुछ ना कुछ साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो आज तक 3 दिन हो गए, आज तक जारोली को अरेस्ट क्यों नहीं किया? जारोली को अरेस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर जारोली अरेस्ट होते हैं और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं तो उसमें सरकार के जो उस समय जिम्मेदार लोग थे उनके नाम सामने आएंगे। इसलिए जारोली के माध्यम से उन तक ना पहुंच पाए, इसलिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो CBI को भेजने की रिकमेंडेशन सरकार नहीं भेज रही है। कोटा में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हुई, पुलिस की क्या दमनकारी नीति से सरकार दबाना चाहती? देखिए, वहाँ पर भी SOG यही कर रही है कि सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बचाने का काम कर रही है और यहाँ पर जब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं तो उसमें भी पुलिस जो है वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के माध्यम से उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। आप देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विवाद का विषय था ही नहीं, पर पुलिस ने अननेसेसरी इसको विवाद बनाने का प्रयास किया और उस मुद्दे को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। मैं